महाभारत 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 की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी 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 वासुदेव कहे दुर्योधन को ऐसे हरा ना पाए भीम के पास बल अधिक है पर ऐसे न जीत पाए दुर्योधन के पास बुद्धि और आशीर्वाद बताया नियम अनुसार नहीं हारेगा अर्जुन को समझाया ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो निश्चित भीम को हार जानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी महाभारत 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 वासुदेव ने भीम को बातों बातों में समझाया क्या प्रतिज्ञा ली थी उसने उसको याद दिलाया दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा याद फिर उसको आई गदा युद्ध में संभव नहीं है उसको ये बतलाई गदा जंघा तक ना जा सकती इस युद्ध की ये निशानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी 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 ऐसा नहीं कर सकता हूँ भीम ने बतलाया वासुदेव कहे फिर युद्ध करो उसको ये समझाया युद्ध में दुर्योधन से भीम तू जीत ना पाए वासुदेव की लीला भीम अभी समझ ना पाए मानो दुर्योधन के हाथों भीम की मृत्यु है आनी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी वासुदेव ने फिर दोबारा भीम समझाना चाहा बार बार जंघा की तरफ इशारा करके दिखाया भीम ने फिर दुर्योधन की जंघा पे गदा चलाई देखते ही देखते दुर्योधन हुआ धराशाही
भीम बलि ने दुर्योधन की जंघा तोड़ने की ठानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत 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 महाभारत। युधिष्ठिर बीच में आया जब दुर्योधन को मारना चाहा। वो केवल एक भाई नहीं है राजा भी है बतलाया। उसकी जंघा पे वार देख बलराम गुस्सा हो आया। बोला क्या मैंने और द्रोण ने यही था सिखलाया। ये नियम था कमर के नीचे किसी ने गदा नहीं है चलानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। बलराम ने कहा भीम अब मुझे कोई ना रोक पाए। बलराम ने भीम पे गदा चलाई केशव बीच में आए। बलराम ने कहा कि कृष्ण तुम बीच ना आओगे। मैं भीम को सबक सिखाऊं तुम रोक ना पाओगे। वासुदेव कहे एक बारी मेरी सुन फिर कर अपनी मनमानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी। वासुदेव ने फिर बड़े भैया बलराम को ये बताया। दुर्योधन ने कौन सी मर्यादा मानी आपने ना समझाया। लाक्षाग्रह में दुर्योधन ने आग तक लगवाई। युद्ध खेल में द्रौपदी जंगा पे बैठानी चाही। इस जंगा को बड़े भैया पहले ही थी टूट जानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। वासुदेव कहे ये दोनों ही युद्ध आज्ञा लेने आए। तब आप तीर्थ चले गए थे तब यहाँ क्यों नहीं आए। धर्म है धर्म के युद्ध में रणभूमि को तीर्थ बतलाया। बलराम से महारथी का गुस्सा ठंडा हो आया। वासुदेव कहे अंतिम पल में ना चाहिए बाजी पलटवानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। वासुदेव कहें दुर्योधन को पहले क्यों नहीं धमकाया। सारी मर्यादा तोड़ रहा था फिर क्यों ना समझाया। भीम की मर्यादा तोड़ने से आपको गुस्सा आया। भीम की जगह आप होते तो क्या करते ना बतलाया।
अगर अब भी आप ना माने तो करो अपनी मनमानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी। भीम कैर दुर्योधन योद्धा बलराम बतलाए। मैं इस युद्ध का साक्षी हूँ, भीम कायर है समझाए। मुझे गर्व है जो मैंने दुर्योधन साहसी से पाया। मुझे शर्म है भीम भी मेरा ही शिष्य कहलाया। फिर भी कहता हूँ कमर से नीचे न चाहिए थी गदा चलानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत, 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 महाभारत। वासुदेव ने कहा भीम से चलो यहाँ से जाएं। दुर्योधन तड़प के दम तोड़ेगा कोई बचा ना पाए। विजय की पहली रात ये कौरव शिविर में बिताए। अब विजय हुई हमारी चलो खुशी मनाए। धर्म जीत गया है धर्म हारा वासुदेव ने बखानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। संजय कहे युद्ध समाप्त हो गया धृतराष्ट्र को बतलाए। ये सब कैसे हो गया वो पूछना चाहे। दुर्योधन ने कहा था कोई उसे पराजित ना कर पाए। क्या कुछ नहीं था उसके पास कोई ये बतलाए। इतनी बड़ी सेना किसी से कैसे थी हार पानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी। धृतराष्ट्र कहे क्या नहीं था हमारे पास बतलाओ। कितने योद्धा हमारे संग थे नाम तक ना गिन पाओ। दुर्योधन के साथ महान योद्धा थे बतलाए। फिर भी पराजय कैसे हुई कोई ये समझाए। क्या चाहा था और क्या हो गया ये किसने थी जानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत, 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 महाभारत। गांधारी कहे मुझे पता है मैं तुम्हें बतलाऊं। सब कुछ हमारे साथ था पर धर्म नहीं था बतलाओ। हर कोई आपके साथ था पर वासुदेव ना समझाया। उसकी सेना साथ थी धृतराष्ट्र ने बतलाया।
बिन नायक की थी वो सेना, कुछ नहीं थी कर पानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। संजय ने वासुदेव की सेना एक भीड़ थी बतलाया, नायक बिना अधूरी थी फिर उसको समझाया। गांधारी कहे युद्ध शुरू होने से पहले मैं समझ पाई, ये युद्ध दुर्योधन हारेगा किसी को समझ ना आई। आप मेरी ना सुन पाए, मैंने चाही लाख समझानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी। गर्व और अहंकार में आप कुछ ना सुन पाए, मैंने कहा हम हारेंगे पर आपको कौन समझाए। धृतराष्ट्र ने फिर दुर्योधन बारे जानना चाहा, वो कहां किस हाल में है संजय क्यों ना बताया। संजय कुछ ना बोल पाए, पड़ी धृतराष्ट्र को धमकानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत, 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 महाभारत। धृतराष्ट्र कहे कुछ तो बोलो, संजय से पूछना चाहे। दुर्योधन की हालत को संजय भी बता ना पाए। धृतराष्ट्र कहे मैं हाथ जोड़ता, संजय मुझे बतलाओ। मेरा पुत्र किस हाल में है मुझे ये भी बतलाओ। क्या कोई अनहोनी हो गई या मेरी पीड़ा ना जानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। धृतराष्ट्र कहे क्या मेरा पुत्र जीवित है बतलाए। क्या मृत्यु शरण में चला गया है मुझे देख के बताए। वो अभी तक जीवित है संजय ने बतलाया, पर उसकी दशा जीवित नहीं मृत्यु है बतलाया। ऐसे जीवन से मौत भली मैंने ये है जानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी। धृतराष्ट्र कहे क्या मेरा पुत्र घायल है बतलाओ। घायल और मृत्यु के बीच में है बस राजन समझ जाओ। गांधारी और धृतराष्ट्र का मानो कलेजा फट आया। संजय ने जब दुर्योधन की हालत बारे बतलाया।
वो आपके दर्शन चाहे, मैंने ये है जानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत 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 महाभारत। धृतराष्ट्र कहे हम उसके आगे ना जा पाएंगे, इस दशा में अपने पुत्र से बात ना कर पाएंगे। उसकी पीड़ा की आवाजें हम ना सुन पाएंगे। गांधारी कहे वह किसने भेजा, क्या आप बतलाएंगे। आपके कारण ही ये दिन आए हैं सबने जाने। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी। महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महा